जलाल तेरा प्रभु जी। बोलो हले लुईया। तुसी तकरीबन ही साड़ी अगवाई नू साड़ी टेस्टमनी नू जानते हो। थोड़ी आवाज घट करो उपर उपर स्टेज ते थोड़ी आवाज घट कर दो। पर फिर भी बाइबल च लिखा तुसी धरती दे बन्ने तक मेरे गवाह जे। काफ़ी देर बाद प्रभु ने इस जगह ते आउंदा समा दिता है और साडा विश्वास है कि इस दौरान कई रूहां नू परमेश्वर ने बचाया है और इस करके लाजम है कि असी अपने टेस्टमनी में जरूर इस जगह पर दईए कि प्रभु ने तिना भैणों तो बाद मेरे माँ बाप उत्ते किरपा की कि मैं माँ के कुख दे विच पाया और तीसरे महीने डॉक्टर ने मेरे मम्मी नू जवाब दे दिता सी क्योंकि ब्लीडिंग इन्नी ज़्यादा हो गई कि मेरा बचना मुश्किल सी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा मर गया है, दिस चाइल्ड इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, इहदी आस छड़ दो। मेरी माँ ने घर जाके दरवाजा बंद करके घुटने लगा ले खुदा दे अगे और रोना शुरू कर दिता, रो रो के दुआवां कीतियां। और प्रभु दे पाक कलाम दे विच लिखिया है कि जड़े हंजुआ नाल बीजदे आ वो जकारिया नाल वढ़दे आ। इजराइल का राजा दाऊद कहिंदा जदों असीं दिल तोड़ के दुआ करदे आ स्वर्ग का प्रभु साडे नेड़े आके खड़ा हो जांदा है। हालेलुया। स्वर्ग का प्रभु कहिंदा मतलब एक एक हंजू नूं कुप्पी दे विच सांभ के रखिया है। मेरी माँ ने दिल तोड़ के दुआ की और सुखना सुखी खुदा दे अगे, प्रभु अगर तू ये बच्चा मैनू दवेगा मेरी बेउमीदी च उम्मीद पैदा करेगा, अगर तू मेरे लहू दे वहां नूं बंद करेगा, मेरा भी तेरे नाल वादा है कि यह जिन्ना चिर रवेगा यह तेरी आराधना करेगा। हालेलुया। तू मैनू दे, मैं तेरे काम लई दवांगी, मैनू इहदी कमाई का कोई लालच नहीं होगा, मैनू इहदे कम्मां कारां का लालच नहीं होगा, जिन्ना चिर रवेगा प्रभु तेरा रवेगा। सुखना नूं सुखना है पर उन्हें पूरियां जरूर करना है। कई बार सुखना सुख लईदा पर पूरियां नहीं करीदा। मेरी माँ ने उस सुखना नूं खुदा के पूरियां कीता, जदों माँ ने रो रो के दुआवां कीतियां तां प्रभु ने उसी वेले लहू दा वहा बंद कीता। तुहाडे सामने बिल्कुल जिंदा खड़ा है। हालेलुया। साडा खुदा जिंदा है और जिंदा है तां करके जिंदगी देंदा है। हालेलुया। यह संदेश हर वार की तरह कि आदर बड़ा जरूरी है मापियां दा, अपने पास्टर जी दा, अपने खादम दा आदर बहुत जरूरी है। इत मैं गीत गाई जावां, सुरां लाई जावां, नची जावां, सब बेकार है जे मेरे अंदर आज्ञाकारी नहीं। आज्ञाकारी खुदा दा कलाम सिखाउंदा, इहदा जवान ये हो तां जवान ही गया है पर इहदियां आदतां बड़ियां विगड़ गईयां मापियां दे प्रति। बहुत ज्यादा पुठा बोलता है मापियां नूं। सुनो मैनूं ध्यान दे नाल, एक मिनट का समा दईए। बड़ा पुठा बोलता है मापियां नूं, यारां दोस्तां करके मापियां नूं गलत बोलता है, पत्नी करके भी कई बार मापियां नूं गलत बोलता है, रिश्तेदारां करके भी कई बार मापियां नूं गलत बोलता है, चार डिग्रियां कर लवे ते फिर भी मापियां नूं गलत बोलता है, को गल्लां चार करनियां आ जाण ते मापियां नूं ही गलत बोलता है। ये गल्लां मैं तैनूं तां दस रहा है क्योंकि बाइबल च लिखिया कि तैनूं तेरी वारी आउणी है। इस भरा दीआं गल्लां कदी याद आउणगीआं ते लिखिया जई करनी ते ही भरनी, ये जो तू बीजा ना तैनूं वढ़ना पैणा एक दिन, इस करके वह गल्लां बीज जिहड़ी है तेरे लई वढ़नियां सौखियां होण। तू आदर नहीं देंदा ना मापियां नूं ते भुल जा कदी तेरे बच्चे भी तेरा आदर करनगे। बड़ा सताउंदे आ कई मापियां, रात नूं 2-2 बजे तक बाहर रहना, नशे करना, मापियां नूं कईआं ने बीमार ही कर दिता है, शूगर करती उन्हां नूं, बीपी वधाता, समय तो पहले ही मारने लगे कई अपने मापियां नूं। ये तैनूं एक दिन भुगतान ना भुगतना पैना मेरे वीर मेरी भैण, बेटा है चाहे बेटी है, आदर दे मापियां नूं, ये बड़ा जरूरी है। यसु मसीह जी दी इत्थे नच नच के भगती कर रहे ना, बाइबल च लिखा है वह मौत तक अपने बाप का वफादार रहा। कदों तक? मौत तक। और प्रभु दा दास पौलस कहिंदा साडा भी वह सुभा हो गया जिहड़ा मसीह यसू का सी, जे वह वफादार अपने माँ बाप दे ते सानू भी लोड़ आ, जो अपने बाप का वफादार आ सानू भी लोड़ असी अपने मापियां दे वफादार रही है। बोलो हैलेलुया। जे पोतिया ते पुत बन के विखा, कई बार मैं दस दिंदा
कि दो भरा एक घर दे विच होण, कट्ठे ही रोटी खांदे, कट्ठे एक दूजे दे लीड़े भी पाउंदे आ, खेड़दे भी कट्ठे इक्को वेड़े, जदों वड्डे हुंदे फिर लड़ लड़ के विखाउंदे मापिआं नूं, घरां च कंधां मार मार के विखाउंदे आ। कितें मूर्खा उहनां नूं भी पुछिआ कर जिन्हां कोल इक भी पुत नहीं हैगा, उह पुत्तां नूं तरसण डए आ ते तुसीं लड़ लड़ के विखाउंदे जे सगों मापिआं नूं। इह कम्म साडा नहीं आ लड़ना, घरां दे विच कलेश पाउणा इह उहनां दा कम्म आ जिहड़े यस्सू तो दूर ते नरकां दे भागी ने। इस करके आदर दिया कर मापिआं नूं। भैणों तुसीं भी, पौलुस कहिंदा ना मैं तुहानूं चतारदा, जाने कि चेते करवाउणा है, बोलिआ तां इक वार मैं पहलां भी सी, पर फिर बोल देना कि जदों शादी हुंदी आ ते लड़ाई झगड़ा थोड़ा जिहा बंद कर दईए। कहिंदे मेरी सस नहीं चंगी, उह कहिंदी मेरी नूंह ही नहीं चंगी। हुण तेरी सस की थां ते तेरी मां किते होवे ते तू उहदे नाल उमर नहीं कट्टनी। जे तेरी नूंह की थां तेरी बेटी हुंदी, तैनू अपनी नूंह दे विच बेटी नज़र क्यों नहीं आउंदी ते सस दे विचों तैनू मां नज़र क्यों नहीं आउंदी? शैतान उलझना पाइया ने तुहानू, क्योंकि यस्सू का आना नेड़ा नेड़े है। तो कहिंदा भी ये कलेश च पए रहन ते नरक दे भागी बनन। शैतान नूं लताड़ के ते उहदे उत्तों दी लंघो, यस्सू तक पहुंचीए, आपस च प्यार करिए। सहुरिआं दी गल पेके ना ज दस्सिया करो, अजे शामां नहीं पैंदियां, उधर सारी रिपोर्ट भी उधर पहुंच जांदी। अगले भलकदियां शामां तक, तलाकां तक भी गल पहुंच जांदी। थोड़ा जिहा मूंह नूं बंद रखो, कंट्रोल रखिए। जरना सिख बड़ा जरूरी है। दूजे कि दिन लड़के तू मापिया कोल आ जावे ते दस किन्ना कि तैनूं सो तेरे मापिया नूं सुख है तेरे तों। तैनूं लगदा तेरे मापे बड़े सुखी होणगे? बुद्धवान बण, तेरे घर का सिस्टम सही नहीं ना तो तेरे दुबारा प्रभु सही कर दूगा सब कुछ। वो बदलन की ताकत रखता हालात, घुटने ला के दुआ करिया कर। हर काम का इक्कोई हल नहीं है भी तलाक ले लईए। तलाक नहीं लेने, रिश्ते मजबूत करने हैं। बोले हालेलुया। एक गल बोलनी मैं अद्धे मिनट दे विच। इंग्लैंड दे विच एक भाई सी, अपनी बीवी नूं बड़ा कुटदा सी, अपनी वाइफ नूं, क्योंकि उहदी वाइफ प्रभु नूं मन्नदी सी। सोला मेरी भैन तेरे लिए गवाही है, उहनूं कहिंदा सी जे तू रात नूं 9 बजे तो बाद, 9 बजे उस भैन दा चर्च बंद हुंदा सी, चर्च कहिंदा जे 9 बजे तो बाद घरे आई ते तेरे लिए सदा सदा लिए बूहे बंद हो जाने। वह भैन हमेशा बंदगी ते जांदी सी, धर्मी औरत सी, उहने बंदगी ते जा जा के अपने पति लिए दुआ की। एक दिन की गल आ कि उन्होंने चर्च के दूरों पास्टर आए सी, थोड़ा जा टाइम ज़्यादा लग गया ते 9:15 हो गए। वो जो वापस गई, वह पति बड़ा क्रूर सी, उन्हें दरवाजा खोलिया तो उन्हें अपनी घरवाली नूं कहा कि चेते कर, मैं तेनू कहा सी कि जे तू 9 तो लेट हुई। एडा क्रूर बंदा सी, यस्सू का नाम नहीं लैन दिंदा सी उन्हूं। और उन्हें उहदा बैग उन्हूं फड़ाया ते कहिंदा अज तो मैं तेनू डिवोर्स देता, तेनू मैं तलाक देता है ते तू अज तो बाद मेरे घर नहीं वड़ना। इस औरत ने एदा बैग फड़िया, उस भाई ने दरवाजा बंद करता। ये औरत उथे ही थड़े ते लम्मे पै गई, उथे ही सौ गई, अपने घर के बूहे अगे सौ गई, लड़ के पेके नहीं गई, उथे ही सौ गई। अगले दिन सवेर चढ़ी, वह भाई ने दरवाजा खोलिया, उन्हें कितने ड्यूटी जाना सी, उन्हें वेख्या मेरी घरवाली इत्थे सुती पई, उन्हें उठाया कहिंदा हैलो मैं तो तेनू रात तलाक दिता है ते तेनू मैं घरों कढ़िया है ते तू इत्थे की करदी है? वो औरत उठी, उन्हें अखां एदा साफ कीतियां, कहिंदी गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, सॉरी मैं लेट हो गई हाँ। वो भज के अंदर गई, अपने पति लिए कॉफी बना के लियाई। उहदा पति वेंदा रह गया भी यार मैं तो इहनू इन्ना कुटिया, इन्ना मारिया, इहनू मैं घरों कढ़िया। वो वेंदा रह गया, उहदा दिल पिंगल गया उहदे पति दा, कहिंदा मैं इहदे यस्सू नूं जरूर मिलना जिथे बंदगी करदी है। उहने अपने पत्नी नूं बुलाया, कहिंदा मैनूं अपने चर्च लैके जा। उहनूं चर्च लैके आई, प्रभु दे दास ने उहदे ते दुआ कीती। उह लगातार उहनूं यस्सू मसीह नाल इश्क हो गया। उस भाई नूं उहने लगातार प्रार्थना करनी शुरू कर दित्ती, रोजाना बंदगी ते आउंदा रिहा। एक दिन उहदे ते बुलाहट होई,
कि तू खुदा की सेवा करेगा। वेखो ये बंदा जिन्हें अपनी घरवाली नूं तलाक दिता यसू मसीह मगर अपने घरों कढ़िया सी, हिस्टरी पढ़ के वेखियो इसे बंदे दे द्वारा प्रभु ने 11 मुरदियां च जाना पाईया। हालेलुया, प्रभु ने अपना खादम बना के खड़ा कर दिता उस बंदे नूं। प्रार्थना करनी ना छड़ मेरी भैन, लड़ लड़ के पेके आउण दा मतलब नहीं, प्रार्थना च लगी रह। मैनूं पता नहीं किहदे नाल, पर कोई तो है जिहदे नाल यसू गल कर रहा है। अपनी जिंदगी नूं सुधारीए, प्रार्थना विच लगे रहीए। और इब्रानिया 13 दे 7वें वचन च लिखिया, अपने पास्टर जी की आज्ञाकारी कर आदर दिया करो, ना लैके ना बुलाया करो पास्टर जी नूं। जो घर भी पास्टर जी की गल करते थे, ना ना लिया करो, क्या करो पास्टर जी, आदर दिया करो। हालेलुया, इन्हां ने तुहानूं यीशु मसीह बारे दस्सिया है, तो चिक्कड़ दे डूंघे टोए चों कढ के बाहर लियांदा है। घमंड तुहाडे उत्ते ना आवे। अज जे गड्डियां कारां मिल गई, कोठियां कारां मिल गई, धियां पुत मिल गए, तो प्रभु के दासां नूं नकारिया ना करो, इगनोर ना करिया करो। एक गल हमेशा याद रख्या करो, राजा दाऊद कहिंदा है, कहिंदा मैं किसी तो नहीं डरदा पर मैनूं प्रभु की तलवार तो डर लगता है। जे खुदा बरकत देनी जानदा है ना, तो वापस लैनी भी जानदा। डर अपने मन च रख्या करो यहोवा दा। आओ दुआ करिए, अखां नूं बंद करिए, अपने मापिआं दा आदर, अपने खुदा दा आदर करिए, अपने दासां दा आदर करिए। इन्हां गल्लां च जलाल यीशु नूं मिलेगा। मैं शुक्रगुजार हां पास्टर विक्टर जॉन जी दा, पास्टर सोफिया जी दा, उन्हां दे सारे मैनेजमेंट दा, चर्च दा, उन्हां दी फैमिली दा, इन्हां दी डेडिकेशन वास्ते, इन्हां दे समर्पण वास्ते मैं दिल दी गहराइयों तों यीशु मसीह दा शुक्रिया अदा करदा है। खुदावन खुदा दिल दी गहराइयों तों शुक्रिया अदा है। सारा आदर तुहानूं दिंदे हां, तुसीं महान जर महान ही काम करदे जे। तू अल्फ आ, तू ताब आ, तू अल्फा तो ओमेगा है, तू शुरू तू अखीर आ, तू उत्पत्ति तू प्रकाश की पोथी आ, तू जीवन की रोटी, तू राह की ज्योति आ, तू परमेश्वर का लेला और तू यहूदा का बब्बर शेर आ। ताडे तो अलग होके असीं कुछ नहीं कर सकते, तू कला योदा है जो पानिया कट के उन्हां दीआं दीवारां बना के खड़ियां कर देना है। तुहाडा खादम कहिंदा स्वर्गां दे स्वर्ग भी तैनूं संभाल नहीं सके। तुहाडा खादम कहिंदा खुदा जिन्हें आकाशां नूं गिठां च मिणिया है, जिन्हें पहाड़ों शाब्या च तोलिया है, जिन्हें समुद्रों चूड़िया च मापिया है, अभी सारा जलाल उस खुदा के चरणों में रख दें। खुदा अज का कलाम, अज का वचन प्रति एक की जिंदगी बदल दे। टच टू ईच एंड एवरी वन फादर, वी गिव यू ग्लोरी इन द नेम ऑफ यीशुआ। जलाल तेरा है। तुहाडे खादम पास्टर विक्टर जी वास्ते दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से तुहाडे खादम की सेवकाई के तंबू होर चौड़े हो जाण, जिथों तक नाम नहीं पहुंचा तुहाडे खादम के वसीले रूहां हनेरे चो निकल के यस्सू की रोशनी चा जाए। होर भी जिन्हें खादम इस जगह ने प्रभु हरेक की रग रग च यस्सू का लहू दौड़े। आदर तुहानू दिंदे आ, तुहाडी कलीसिया सिद्ध कायम कामल मजबूत हो के यस्सू के राज लई तैयार होवे। धन्नवाद यस्सू मसीह दे जलाली मुकद्दस और कदूस नाम च इस दुआ नू मंग लैने आ। आमीन। सब नू जय मसीह।